हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम समीर है और आपका समीर ब्लॉग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके आए हैं फॉरबिसगंज जंक्शन का। यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है आज, उसको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फॉरबिसगंज जंक्शन दिखाते हैं और यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है उसको बताते हैं। अभी मैं फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा हूँ, यहीं से दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या वर्क हो रहा है प्लेटफार्म के ऊपर इस तरफ। तो चलिए दिखाता हूँ। अभी ये पैसेंजर ट्रेन जोगबनी की ओर से आई थी और कटिहार की ओर जा रही है। और प्लेटफार्म की बात की जाए तो 2 नंबर और 3 नंबर पर जो है पोल वगैरह जो है गिरा हुआ है, और आगे काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह लगी हुई है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। इधर स्लीपर वगैरह जो है गिरा हुआ है इस तरफ। 5 नंबर पर भी काम का जो है लगता है, इस तरफ भी ट्रैक को बिछाने की तैयारी है। तो चलिए आपको एक तरफ से दिखाते हैं, हम प्लेटफार्म की एक ओर से आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब मैं आ चुका हूँ 4 नंबर प्लेटफार्म के एक सिरे पर और यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको 2 नंबर और 3 नंबर का भी और 4 नंबर का भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ क्या क्या वर्क हुआ है। तो अभी मैं 4 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर की ओर जो है जहाँ पे पटरियाँ बिछेगी वहाँ पर साफ़ सफाई पूरा कर दिया गया है, 3 नंबर पर भी और 4 नंबर पर भी। और यहाँ तक जो है कॉन्क्रीट से स्लीपर को जो जाम किया हुआ था पहले से ही, अब उससे आगे जो है वर्क स्टार्ट होगा। अच्छा, 4 नंबर जो प्लेटफार्म के भी तो जहाँ पर जो पटरियाँ बिछेगी वहाँ पर साफ़ सफाई कर दिया गया है। और आइए आप देख सकते हैं कि नाला का ढक्कन भी बनकर तैयार है। अब चलिए आगे आगे दिखाते क्या वर्क हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर पर जो है फुट ओवर ब्रिज का ढलाई का काम जो है पूरा हो चुका है। और ये देखिए 4 नंबर 5 नंबर पर भी फुट ओवर ब्रिज का जो है ढलाई का काम हो चुका है। अब थोड़ा हम ब्रिज को नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे कि नज़दीक से कैसा दिखता है। लमसम इस पर जो है 60% जो है इस फुट ओवर ब्रिज पर जो काम हो चुका है आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे और आगे दिखाते हैं कि आगे क्या क्या वर्क हुआ है। ये प्लेटफार्म नंबर 3-4 है और उस तरफ 5 है, और ये लगता है कि हाल ही फिलहाल में इस फुट ओवर ब्रिज का जो है स्टेप वाला जो है ढलाई का काम हुआ है। अभी तक सेटरिंग जो है लगा ही हुआ है और इस तरफ जो है कुछ इस तरीके का सीन है जो आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो है 5 नंबर प्लेटफार्म है, इस तरफ भी स्लीपर वगैरह जो गिरा हुआ है मगर साफ़ सफाई का काम जो है 5 नंबर प्लेटफार्म की ओर नहीं हुआ है। और जो 3 नंबर और 4 नंबर प्लेटफार्म पर जो वर्क जो है हो रहा है, काम थोड़ा बहुत जो है देख रहे हैं कि हुआ है और हो रहा है 3 और 4 पर, बहुत जल्द ही जो है लगता है कर लिया जाएगा। ये स्टेशन जो है कटिहार डिवीज़न के अंतर्गत आता है, तो इसलिए लगता है इधर जो बहुत सुस्त काम हो रहा है, बहुत काम में जो है ढिलाई है। जैसे समस्तीपुर डिवीज़न में की तरफ से जो काम हो रहा है उधर से, तो उसमें जो है बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है, मगर कटिहार डिवीज़न के तरफ से जो है काम में बहुत सुस्ती देख रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा जो सीताधार के पास पिछले 1 महीना से जो है जैसा देख के गए थे, जैसा आप लोगों को दिखाए थे, वैसा का वैसा अभी तक है, उस पर कोई वर्किंग नहीं हुआ है। अब चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या क्या वर्क हो रहा है इस तरफ। इस तरफ तो साफ़ सफाई का काम ही लमसम हुआ है और स्लीपर वगैरह जो है गिरा है, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर अभी।
मगर जो पोल वगैरह जो है गिरा हुआ है, दो नंबर तीन नंबर प्लेटफार्म पर आप देख सकते हैं पोल जो है गिरा हुआ है। ट्रैक पैकिंग मशीन भी आई हुई है जो साइड में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब पाँच नंबर प्लेटफार्म पर आपको दिखाई कि इस तरफ जो है स्लीपर जो है गिरा है, इस तरफ लगता है दो ट्रैक बिछेगा, दो तीन ट्रैक इधर बिछेगा। जब सहरसा वाली लाइन चालू हो जाएगी तो इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ट्रेन का, तो इस वजह से लगता है इधर जो है दो तीन ट्रैक का जो है निर्माण का काम होगा। चलिए आगे और आगे दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। इस तरफ जो है साफ़ सफाई का काम ही आप देख रहे हैं कि हो रहा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर का सीन है। बहुत धीमे गति से काम हो रहा है यहाँ पर फॉरबिसगंज जंक्शन पर। जैसे नरपतगंज के बाद काम हो रहा है, नरपतगंज में हुआ, उस हिसाब से जो है फॉरबिसगंज जंक्शन पर काम नहीं हो रहा है। बहुत ही ढिलाई देख रहे हैं। ये ट्रैक पैकिंग मशीन है, आपको जो है वहाँ से दिखाई थी, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं। इसी से जो है ट्रैक को पैक किया जाता है, यानी कि लिफ्ट किया जाता है, उठा करके उसके नीचे जो है ट्रैक के नीचे जो है स्लीपर के नीचे जो है ब्लास्ट डाला जाता है। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ फुट ओवर ब्रिज पर, और जिस हिसाब से फॉरबिसगंज जंक्शन पर जो काम का रफ्तार देख रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लगता कि अगस्त तक जो है कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अगस्त तक का ही जो है डेडलाइन है सहरसा फॉरबिसगंज रेलवे लाइन का, ये अगस्त तक जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।